स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी 150 रुपये किलो। हाँ नहीं, इन्होंने अभी मेरे को 240 रुपये किलो बताइए। अच्छा ये हमें बता रहे हैं जी कि ये 150 रुपये किलो। और या आंटी, इन्होंने मैंने अभी अभी इनसे रेट पूछा था। नहीं आप क्यों, अब तो आप कैमरे के सामने बोल रहे हो। दूसरी चीज़ें कोई अशिया महंगी नहीं है, कोई चीज़ किसी को नजर नहीं आती, सिर्फ एक रमजान आने पे फल पे इशू उठता है। ये मेरी समझ में नहीं था आज तक क्यों उठ रहा है। मेरे को ये 35 साल हो गए काम करते हुए, अगर इसमें ज्यादा मार्जिन होता, कमाई होती, तो मैं अपना घर लेकर बैठा होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शैनी अलवी, कंज्यूमर पाकिस्तान में। आपके लिए हम लेके आए स्पेशल प्रोग्राम, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। और यहाँ एक कहते हैं कि इस्लामी महीना आता है, दुनिया भर में फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ कीमतों में कमी की जाती है। यहाँ हम आपके लिए आज एक प्रोग्राम लेके आए जिसमें हम फलों, जो कि रमज़ान में फल एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, लोग इसके ज़रूर खाते हैं ताकत के लिए, उसके लिए तो फलों की खरीद में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। अब हम मालूम करेंगे कि रमज़ान अभी आने ही वाले हैं, हम उनसे पूछेंगे अभी फलों के रेट क्या चल रहे हैं, और फिर हम रमज़ान के बाद भी आपको दिखाएंगे कि जी अब फलों के रेटों में क्या इजाफा हुआ है, क्या कमी हुई है। कौन सा मिल रहा है ये पपीता? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो है। और आगे आपका क्या इरादा है, रमज़ान में यही कीमत रहेगी, कम होगी या बढ़ेगी? सीजन ही यही रेट रहेगा, ये 80 और 60 भी हो सकता है। इनका ये कहना है कि 80 से 60 हो सकता है रमज़ान में। हम रमज़ान के बाद भी आके पूछेंगे, रमज़ान में भी आके पूछेंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको आवाम खुद बता देगी। इसका सीज़न है, ये सस्ता है। जो चीज़ आउट सीज़न है वो महंगी है, सेब है, किन्नू है, मौसम्बी, आउट सीज़न होती है चीज़ महंगी होती है। तरबूज का हिसाब दे रहे हैं, अभी 60 रुपये किलो है, और रमज़ान जब शुरू होगा तो अल्लाह ही माफ़ी है, वो अपनी मर्जी से बेचेंगे। कुछ दुकानदार ऐसे भी जो सही बेचते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें ही काट देते सबको। तो ये ख्याल करना चाहिए इंसान को, समझे ना, फिर कोई क्या रोज़दार है, क्या है क्या नहीं है, समझे ना। तो जब इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो भी बेकार हो चीज़ करते हैं, ख्याल करते हैं रमज़ान में। आपको लगता है यकीन थे आसमान पे चढ़ जाए? मैं यही कह रहा हूँ ना आपसे कि लोग ख्याल भी करते हैं, ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो किसी का ख्याल ही नहीं करते हैं, तो बेकार चीज़ है ये चीज़ें। अब मैं दे रहा हूँ, ये 60 रुपये के जी भेज रहा है तो मुनासिब महंगाई के हिसाब से, समझे ना। मेरा मकसद कहने का यही है कि इंसान दूसरों का भी ख्याल करें, ठीक है ना। हम किसी का ख्याल करेंगे तो अल्लाह हमारा भी ख्याल करेगा। ये चीकू क्या हिसाब है? 100 रुपये किलो चीकू है, और आपने बताया 50 रुपये किलो खरबूजा है। तो आप मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि ये रमज़ान में आपके यही रेट चलेंगे या फिर रमज़ान में चेंज हो जाएंगे? तेज हो जाएगी तो जब नहीं, तो डिमांड होगी, और ये तो मौसम का फल है तो फिर क्यों वो हो जाएगा? मौसम का फल तो अच्छा खासा आता है। मंडी वाले कहते हैं हम तो उसी दाम बेचते हैं, ये फ्रूट वाले जो है खुद से पैसे बढ़ा देते हैं। नहीं हम नहीं बढ़ाते, हमें ये खरबूजा क्या हिसाब दे रहे हैं? 50। और वो वाला खरबूजा? 80 रुपये, वो गर्मा है। अच्छा गर्मा 80 रुपये किलो। और ये अमरूद क्या हिसाब? 100 रुपये किलो है। तो ये बताएं ये रमज़ान में आपकी कीमत यही रहेगी या कमी बेशी आएगा? वैसे बिकेगा, वैसा आएगा वैसे बिकेगा। रमज़ान में तो 20 रुपये किलो बिक रहे हैं, उधर कोई को, कुछ नहीं कहता। 80 रुपये पाव पावे बिक रहे हैं, कहते बिक रहे हैं 120 रुपये पाव, 480 रुपये, कुछ नहीं कहता। लेकिन रमज़ान में कभी रेट कभी नीचे हो जाए, कभी बढ़ जाते भी हैं। रमज़ान में ही क्यों बढ़ते हैं ज़्यादा? क्या मालूम, आप मंडी आते जाके पूछे क्यों बढ़ाते भाई पैसे आप लोग। अब जैसे रमज़ान में तो ये है, दुनिया भर में होता है कि जी चीज़ें कम की जाती हैं, हमारे यहाँ चीज़ें बढ़ जाती हैं। वो मंडिया में जाके कहे महंगा क्यों बेच रहे हैं आप, मंडिया में जाके हमारे क्या कहती है? 40-30 रुपये किलो भी पेट डाले हम लोग तो, वहाँ से सस्ता मिले तो। मंडी वाले कहते हैं हम तो उसी रेट पे देते हैं, लेकिन वहाँ दुकानदार जो है वो खुद बढ़ा देते हैं। अभी मंडी में 2000 रुपये मन का चल रहा है, 50 रुपये किलो उधर ही बिक रहा है, हम 50 रुपये इधर ही बेच रहे हैं, तो हमें इतना कोई फायदा नहीं है इसमें। 100 रुपये किलो अमरूद बिक रही है। चले हम आएंगे यहाँ पे दोबारा, आपसे कीमतें मालूम करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान में आएंगे कि आप क्या कीमत पे दे रहे हैं। देखिए रमज़ान के अंदर तो सेहत के लिए, तो लोगों के लिए फल ज़्यादा ज़रूरी है ना।
फल जो है आप रमजान में आप भी लेती होंगी, रमजान से पहले भी लेती होंगी, कीमत का फर्क होता है? हाँ फर्क होता है, क्यों नहीं होता, होता है। क्या ज्यादा लेते हैं? हाँ ज्यादा ही होते हैं, रमजान में तो बहुत बढ़ जाते हैं। डायरे मंडी से आते होंगे तो ये लोग भी बढ़ा देते हैं। आपके ख्याल में मंडी से ज्यादा आते हैं तो इसलिए बढ़ाते हैं, वरना खुद से नहीं बढ़ाते? खुद से नहीं बढ़ाते होंगे, इन्हें कम करने चाहिए। जी कम करना चाहिए। वैसे क्या हिसाब से? 60 रुपए। और खरबूजा? स्ट्रॉबेरी 150 रुपए किलो। अच्छा ये हमें बता रहे हैं जी कि ये 150 रुपए किलो और या आंटी। मैंने अभी अभी इनसे रेट पूछा था। नहीं आप क्यों लो, अब तो आप कैमरे के सामने बोल रहे हो। 240 रुपए बताई थी अभी इन्होंने मेरे को, अगर आपको देख के ये ना 150 रुपए किलो बता रही है। कपड़े वाले 3000 रुपए बताते हैं, 1000 रुपए का देता है कपड़े वाले। हाँ जब भी मैंने पूछा था तो। हाँ आपके ख्याल में कि ये जो है रेट ज्यादा ले? नहीं नहीं हमारे वहाँ 120 रुपए किलो बिक रही है ये। हाँ मैंने इनको बोला भाई हमारे वहाँ 120 रुपए मिली है तो इन्होंने मना कर दिया। मैं लैक तो बात नहीं रहती हूँ, इन्होंने 240 रुपए मुझे बताया, आप कैमरा देख के ये बोल रहे हैं कि नहीं 150 रुपए किलो। चले आपको सही बता, रमजान में आपका ख्याल में क्या होता है? दुकान अगर आपको इंटरव्यू लेना, दुकानदारों से मत ले, आप जो खरीद रहे हैं उनसे ले। हम उनसे भी ले रहे हैं, मुझे बताइए रमजानों में क्या आपका क्या ख्याल है, क्या होता है? अभी अपनी दबा रहे हैं इस टाइम, अपनी दबा रहे हैं। नहीं भाई गरीब आदमी की बहुत मुश्किल है इस टाइम, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यकीन करें आप, जीना दुभर कर दिया हम लोगों का। रमजान में कीमतें आपके ख्याल में पहले कम होती है, रमजान में क्या हो जाता है, अब बढ़ जाती है? रमजान में ही समझते हैं हमारी चांदी हो गई। हाँ इसके ये समझे, ये जो 100 रुपए, हाँ 100 रुपए किलो जो है वो 200 रुपए। मुसलमानों का सीजन है रमजान, जितना हो सकता है सीजन ही है रमजान, जितना ले सकते हैं उतना कमाएंगे। ये हुक्मरान का कसूर नहीं है, आवाम ही खराब है इसीलिए ऐसे हुक्मरान। सर ये आपसे फलों की कीमत मालूम करनी थी, आप मुझे बताएंगे कि ये लाल वाले सेब क्या किलो हैं? 250 रुपए किलो हैं, ये 200 रुपए किलो के। कीनू? कीनू 150 रुपए दर्जन, 80 रुपए किलो है, बढ़िया अच्छा खरबूजा है। अच्छा ये देखिए हमने अभी तक जितनी जगह हमने मालूम किया खरबूजा वो 50 रुपए कह रहे थे, लेकिन हमने आपको उसका साइज भी दिखाया था। ये खरबूजा हमें ज़रा नज़र आ रहा है कि जी हाँ जी अच्छा खरबूजा है, ये इन्होंने बताया कि जी 80 रुपए किलो है। तो आप सर ये बताएंगे रमज़ानों में आपके जो चीज़ें हैं आपके पास, इसकी कीमत इतनी रहेगी या आपके ख्याल में कीमत बढ़ जाएगी? हमारे हाथ में नहीं है, ये मंडी वालों के हाथ में, मंडी से हम रोज लाते हैं रोज बेचते हैं, इसमें कोई हमारी वो गुंजाइश नहीं है। ये तो हमारा 200-500 रुपये कमाना घर पड़ते चले, जैसे आएगा वैसे बिके। पिछले साल जो है ना ये 100 का 5 किलो खरबूजा बिक गया था, जब कोई महंगाई नहीं थी। अब महंगाई बताते हैं गिरा, ये 12 महीने का हिसाब होता है इसका। दाजन कितना हो जाएगा आपके ख्याल में, कितने बढ़ जाता है? इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इतना ही बढ़ेगा। खरबूजे क्या हिसाब है, आपने 2 कैटेगरी में रखे हुए, क्या हिसाब है? ये 50 रुपए किलो और 60 रुपए किलो है। अच्छा और ये गर्मा? गर्मा भी 60 रुपए किलो है। चीकू? चीकू 120 रुपए किलो। अच्छा इसमें जो आपने रेट रखे हुए इसमें आप ग्राहकों के साथ कुछ कमी पेशी करते हैं या इसी कीमत पे ये फिक्स है? तो वही रेट बताते हैं ग्राहक को, समझ में आता है ग्राहक ले लेता है, नहीं आता तो नहीं। पीछे हमें चीकू जो है 100 रुपए किलो बताए गए थे, ये 100 रुपए किलो मतलब छोटा साइज हो तो 100 रुपए किलो में लगे, बड़ा साइज का है। नहीं यही साइज था, यही साइज था, हो सकता है मिल गया उसको, लेकिन हम 120 का भेजे जो आने में आता है 100 रुपए किलो का तो लेके आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अंदाजन अब ये खरबूजा आप ये कह रहे हैं कि जी ये वाला 60 कह रहे हैं, ये वाला आप 50 कह रहे हैं, ठीक है रमजानों में आपके ख्याल में इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, अगर बढ़ जाती है तो अंदाजन कहाँ तक जाएंगी ये कीमतें? ये अभी तो फिलहाल तो अभी कोई कीमत नहीं, मकसद होने खरबूजा ये कि ज्यादा से ज्यादा महंगा होगा तो 70-80 रुपए किलो हो जाएगा इससे महंगा। क्या दर्जन दे रहे हैं केले आपने अलग अलग कैटेगरीज में रखे हुए, ये की कीमत अलग अलग है, 120 रुपए दर्जन है, 100 रुपए दर्जन। साइज में तो तकरीबन एक जैसे लग रहे हैं, क्या फर्क है इसमें? छोटे बड़े हैं आपको लग रहे हैं, लेकिन हम तो बता रहे हैं हमें पता है छोटे बड़े अलग अलग। रमजान में केलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं, चाट में भी और वैसे भी, कहते हैं केले से काफी एनर्जी आती है। तो रमजान अभी ये 100 रुपए ही कहाँ से महंगे मुझे लग रहे हैं और ये 120, तो रमजान में ये कहाँ तक जाएंगे?
अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते जनाब कि कहाँ जाएंगे, जैसा आएगा वैसा बिकेगा। असल में आप लोगों को ये पता नहीं है, फल है ना ये मशीनों में नहीं बन रहा, ये कुदरती चीज़ है। इसकी पैदावार कम होगी तो ये महंगा होगा, इसकी पैदावार ज़्यादा होगी ये ज़्यादा होगा। लेकिन लोगों ने जो एक माइंड बना रखा है वो गलत बना रखा है कि जी रमज़ान आ गए महंगा है, ये गलत है। ये कभी भी सोच रखे, ये जब ज़्यादा आ जाएगा, रमज़ानों में भी हमने 5-6 रुपए किलो खरबूजा बेचा है, ज़्यादा था तो बिक रहा था। अब एक चीज़ ना होने पे तो कहाँ से लेकर आएंगे आप, सोचने की बात है ना। दरअसल सबसे ज़्यादा फलों पे इशू होता है कि फल महंगा है, फल महंगा है, फल महंगा ही है। दूसरी चीज़ें कोई अशिया महंगी नहीं है, कोई चीज़ किसी को नज़र नहीं आती, सिर्फ एक रमज़ान आने पर फल पर इशू उठता है। ये मेरी समझ में नहीं आता आज तक क्यों उठ रहा है। मेरे को ये 35 साल हो गए काम करते हुए, अगर इसमें ज़्यादा मार्जिन होता, कमाई होती तो मैं अपना घर लेकर बैठा होता, सोचने की बात है। कुछ भी मार्जिन नहीं है इसमें, अगर हम 80 का लागे 90 या 100 बेच रहे हैं तो क्या कितना मार्जिन कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं कमा रहे, थोड़ा बहुत कमा के अपना गुजारा। लेकिन हमारे ऊपर ब्लेम है सबसे ज़्यादा कि फल वाले ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। आप जाके जड़ बुनियाद को पकड़े, पता चले आपको कौन है जड़ बुनियाद, आप लोगों को पता होने चाहिए। आप बताएं आपकी नज़र में मंडी है, मंडी मंडी में जाए ना, वो तो आपको दिखाने के लिए बता देंगे कि जनाब हम तो बहुत सस्ता बेचते हैं, ये लोग महंगा बेच रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम गरीब गरीब का ख्याल रखते हैं कि हमने यार 100 रुपए की चीज दी है तो हम 110 की बेच देंगे, कितनी बेचेंगे हम, 50 दर्जन बेच देंगे। हमने बोला शुक्र अल्लाह का कि हमारे को 1000 रुपए की दिहाड़ी मिल गई, बहुत हम 5000 थोड़ी कमा रहे हैं। लेकिन देखिए अक्सर देखने में आया है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट दिए जाते हैं वो भी मंडी से भी आपको उस हिसाब से मिलते होंगे, लेकिन जब मार्केट पे वो चीज़ हम देखते हैं तो वो जो गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट दी हुई होती है उस रेट लिस्ट पे नहीं मिल रहे होते। गवर्नमेंट को पता है कि मंडी में मैंने क्या दाम खरीदा, गवर्नमेंट तो सिर्फ बैठी हुई उधर जो ना अपने मतलब से उन्होंने रेट दे दी, उन्होंने उनको पता ही नहीं कि मंडी में जाके तो देखें ना कि कौन सी चीज़ क्या दाम बिकी है, तो उस हिसाब से मंडी में दाम दे ना। गवर्नमेंट अगर 100 रुपये चीज़ दे रही है, हमें 100 रुपये दिलवा दे, कसम खुदा के हम 110 रुपये बेच देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। गवर्नमेंट बैठी हुई अपने उधर SDM साहब बैठे हैं, उन्होंने लिस्ट बनाई है, दे दी है, चलो जी जाओ, और जो उनको पकड़ो ठेले वालों को, किसको नहीं पकड़ो, मंडी वालों को नहीं पकड़ो जो उन्होंने महंगा दिया। तो आपने इससे पहले कभी कंप्लेन नहीं की जी हमारे ऊपर जो आप रेट लिस्ट है, आप जो आ रहे हैं आपको विजिट करने, आप उनको क्यों नहीं कहते? कंप्लेन करते हैं वो डबल जुर्माना कर देते, बोले आप बोल क्यों रहे, खामोश रहे आप, वो डबल जुर्माना करते हैं। ये मेरे साथ खुद हुआ है, सिर्फ बोलने पे डबल जुर्माने दिए मैंने कि आप हम जुर्माना कर रहे हैं, खामोशों को जुर्माना कराए बस, क्योंकि उनको हमें दिखाना होता है अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है कि हमने जुर्माने किए। जुर्माने करो मंडी में जाके करो, गरीब से कितना करोगे, हमारी तो बद्दुआएं लेंगे वो, हम 500 रुपये कमा रहे हैं, हमारे 5000 रुपये का चलान कर देंगे तो हम उनको दुआएं देंगे, हम तो बद्दुआ देंगे उनको कि हमारे साथ कर रहे हैं ना, हम कमा क्या रहे हैं अल्लाह जानता है हमारा, हम तो कुछ भी नहीं कमा रहे। असल हकीकत उनको पकड़ो जाके पता चले, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़।